शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फोन लगाओ और अपने पापा जी से बात करो, उनको सब कुछ सच सच बता दो। तो आज से 3 दिनों तक आप सभी की फोन की सुविधाएं समाप्त होती। एक बात और बतानी थी आप लोग, अगर वो काव्या मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। और मेरे आयुष्मान की तो उसे मैं होने नहीं दूंगी, यानी वो इस दुनिया में किसी की नहीं होगी। अभी तक हल्दी की रस्म क्यों नहीं शुरू होगी? किचन से उत्तन लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? Excuse me. हुई फोन पे बात? वो उत्तन की कटोरी अभी तक यहीं पड़ी है। सॉरी सर, घर से फोन आ गया था, मैं अभी लेके आती। चलिए। देखिए दादी माँ, कुनाल आ गया है। आप मौका देखकर रस्म शुरू होते ही आप निकल जाइए। मुबारक हो काव्या जी, उपटन भी आ गई है। पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। अब दुल्हन को उपटन लगाओ। जैसे ही काव्या को उपटन लगना शुरू होगा, हम मौका देखकर कुणाल के कमरे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब पान के पत्ते से दुल्हन के चेहरे पे उपटन लगाओ। रुको, जब आपने काव्या को अपनी बेटी मान ही लिया है तो सबसे पहले उपटन आप ही लगाएं। बेटी के ऊपर इतना तो हक बनता है ना आपका। आएगा असली मजा। हाँ, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? क्या हुआ? पानी लाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दादी माँ से दूर रहो, समझे? मैं बर्फ लेकर आता हूं। दादी माँ, किसने मिला था उपटन में? किसने किया ये सब? कौन है इसके पीछे? खुद से सामने आ जाओ वरना भाग ले सना, वरना पोल खुल जाएगा। तुम्हें तो कुछ ना कुछ उपटन में मिला है। सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उपटन में कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मेरी रोजी रोटी है, मैं अपने ही पेट के लात क्यों मारूंगी? ये तुम्हारा ही काम है। तुम्हारे दूसरों पर चिल्लाने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। मैं जानती हूँ ये अरेंजमेंट तुम्हीं ने करवाए। मुझे तो पूरा शक है कि तुम्हारी कोई गंदी चाल है। तो ये अपना ड्रामा ना कहीं और जाकर दिखाओ।
नाटक करना बंद करो। बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छा नहीं है काव्या जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैंने ये किया, इसका कोई सबूत है आपके पास? नहीं है तो गेट लॉस्ट। काव्या इधर आओ बेटा। तदीमा सर, सर प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, हमारे पास फोन नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वहां पर उस कुनाल के बच्चे ने हमारे प्लान पर फिर से पानी फेर दिया। मतलब वो जो केमिकल में लेके गई थी, क्या अम्मा ज्यादा जली तो नहीं है? लगी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। हमारा दिल करता है हवेली जाकर हम अम्मा को देख कर आए, पर क्या है कि अम्मा के गुस्से से हमें बहुत डर लगता है। डरपोक के डरपोक रहेंगे आप। आपका कुछ नहीं हो सकता। Mom, I miss you. कैसा है? First class. ये माँ बेटे का मिलन हो गया हो तो हम पूछे कुछ? मैके से क्यों आई तुम? मैं वहां बसने नहीं गई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि काव्या आयुष्मान के साथ शादी कर रही है, और उसकी हल्दी में अम्मा जी को चोट लग गई, तो बस मैंने सोच लिया इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता हवेली में वापस जाने के लिए। एक सेकंड माँ, पहले आप मुझे ये समझाइए कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहां से? हाँ ओहो पंडित जी से। क्या सोच रहे हैं आप? हवेली जाने की तैयारी कीजिए। मैके से आते वक्त अपना दिमाग घर बुलाइयो क्या? What do you mean? हवेली में जाएंगे तो अम्मा हम दोनों को मार देगी। डैड, मुझे माँ के इस प्लान में दम नजर आ रहा है, आप मानो या ना मानो। अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। समझ में आई बात? रॉकी समझाओ अपने डैड को। डैड आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए और फिर समझने की कोशिश करिए। अगर आप दोनों हवेली नहीं जाएंगे ना तो काव्या की शादी रुकने नहीं वाली। इसलिए जो माँ कह रही है उस सजेशन को मानिए और इस हवेली जाने की तैयारी करिए। आई थिंक रॉकी सही कह रहा है, इस शादी को रोकने के लिए आप दोनों का उस घर में रहना बहुत ही जरूरी है। आप लोग वहां पर रहेंगे तो कई सारे मौके मिलेंगे आप दोनों वहां पर रह के साजिश रचना, और रॉकी और मैं बाहर से मदद करेंगे तभी हम शादी को रोक पाएंगे। और अगर अब भी आप जाने के लिए तैयार नहीं है ना तो फिर अपना 51% ना भूल जाइए। ये तो हम नहीं भूल सकते। ठीक है हम हवेली जाने को तैयार है, पर अम्मा को क्या बोलेंगे? अम्मा जिसे क्या कहना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये लीजिए, कम से कम दिन में एक बार ये ऑइंटमेंट लगा के ड्रेसिंग करनी होगी जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये घाव ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर, क्या ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है? हाँ, उपतन में आर्टिफिशियल कलर्स या फिर कोई और केमिकल का मिलावट की होगी। दादी, क्या क्रीम लगाने के बाद आपको ठीक लग रहा है? तो आपके हिसाब से ये एक्सीडेंट है, राइट? कोई शरारत नहीं है, बल्कि एक इत्तेफाक है। जी बिल्कुल। क्या आजकल चीजों में इतनी मिलावट हो रही है ना, आए दिन हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। नदीमा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। आप चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? जी, चलिए। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जब तक हवेली के कागजात नहीं मिलते, हम आराम कैसे कर सकते हैं? बेटा, हमें माफ कर देना। हम वो काम नहीं कर पाए जो हमने कहा था। दादी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? हवेली के पेपर्स आपके जान से पढ़कर थोड़ी ना है। आप ना अपना मन छोटा मत कीजिए। हमें हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए काफी समय है। हम कर लेंगे दादी माँ। अच्छा, आपको प्लान तो याद है ना? शादी होने से पहले अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हमारे पास 3 ही दिन है। हाँ, और जो कुछ भी करना है वो ये इन 3 दिनों में ही करना है। एक बार हवेली के पेपर्स हाथ में आ जाए, फिर हम ये शादी तोड़ देंगे। खुद दादी जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आप प्लीज भारी वेट कीजिए। अरे, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी इस कमरे में हम दादी माँ का ख्याल रखने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमें बहुत दर्द कर रहा है, हमारी दवाई दे दो जरा। बेटा, हमारा पैर दबा देना। दादी, आप ठीक तो हैं? अरे चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखो, हमें आज का दिन बर्बाद किए बिना अपने मकसद को अंजाम देना होगा। आज कैसे भी करके हमें उन पेपर्स को ढूंढना होगा। सारी मुसीबतें एक साथ ही आ पड़ी है। पहले हमें हमारी हवेली के लिए ये सब करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमारा परिवार हमें गलत समझ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम चीजों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, चीजें उतनी ही उलझती जा रही है। काव्या, मुझे पता है हमारे घर वाले हमसे दुखी हैं, पर मेरे दिल की गहराइयों में भरोसा है कि वो हमसे नफरत नहीं करते। आज भले ही उन्हें हमारा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, वो हमसे नाराज है, पर वो जानते हैं हम कैसे हैं। उनके दिल में हमारे लिए अभी भी जगह है। कब तक ऐसे नाराज बैठे रहेंगे? लीजिए, चाय पीजिए और मन हल्का कीजिए। पार्वती जी, आज आपके हाथ की चाय भी हमारे मन का बोझ हल्का नहीं कर सकती। ये चाय वाय लेके जाइए, हमें नहीं पीना। और कृपया हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। रुकिए, बैठिए बैठिए।
आपने बेवजह ही अपने मन पर गलत फहमी का बोझ डाल रखा है। अच्छा, गलत फहमी का बोझ, तो आप ही दूर कीजिए ना इस गलत फहमी को। करण के प्रति काव्या का प्यार कितना सच्चा है ये बात आप शादी के पहले से ही जानते हैं, है ना? और आयुष्मान, वो तो आपको अपने पिता का दर्जा देता है। जरा खुद ही सोचिए, क्या वो हमारे साथ ऐसा करेगा? याद है क्या कहा था आपसे उसने? उस दिन जो आपने सुना वो सच था। मैं काव्य से प्यार करता हूं, मेरे पापा की कसम, मैं एक बार अपने पिताजी को खो चुका, जिंदगी में दूसरी बार उनको खोने का दुख मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या आपको लगता है कि आयुष्मान और काव्या हमें दुख पहुंचाएंगे? शायद आप सही कह रही हैं। आयुष्मान और काव्या हमारे बच्चे हैं, उनमें हमारे संस्कार हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मगर ये सब जो हो रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है। जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हुई होगी, वरना ये लोग इतना बड़ा कदम नहीं उठाते शादी का। मुझे पता लगाना ही होगा और मैं लगाऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल है जो मेरी बेटी की जिंदगी से गुजर रही है। मैं पता लगा के आऊंगा। तुम दोनों की सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब ठीक कह रही है दादी, आज नहीं तो कल वो हमें माफ कर ही देंगे। पर चिंता मुझे अभी हवेली के पेपर्स की है। समझ ही नहीं आ रहा कि उस कुनाल से ये पेपर्स कैसे निकालें। दादी माँ, आपके पास नींद की दवाइयां हैं? नींद की दवाई? तुम क्या करोगी उसका? मैं सोच रही हूँ किसी तरह हम कुनाल के ड्रिंक या शरबत में मौका देकर वो गोलियां मिला दे तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। दादी माँ, गोलियां कहाँ रखी है? अलमारी में। ये इस फोटो में आपके साथ कौन है? ये करण के पिता और हमारे बेटे हैं। अब ना करण रहा ना हमारे बेटे। ये दोनों हमें छोड़कर चले गए। दादी माँ संभालिए। दादी माँ, जो लोग छोड़कर चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, पर जो आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं और काव्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लाइए इस फोटो और अपने अतीत को अपने से दूर कर दीजिए। दादी माँ, हम ये फोटो अपने घर में क्यों नहीं लगाते? जब भी करण इस फोटो को देखता था बहुत भावुक हो जाता था।
इसीलिए हम ये फोटो कहीं नहीं लगाते। मैडम निकलने के लिए तैयार हैं। उनकी तबीयत ठीक है ना? जी सर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने टाइम पर खाना खाया? जी सर। और दवाइयाँ? हाँ सर दवाइयाँ भी ले ली है। आप मैडम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैडम बिल्कुल ओके है। हम लोग बस अभी यहाँ से निकलने ही वाले हैं। पर पहुंचते ही मुझे कॉल करना और एक बात का ध्यान रहे, मैडम को एकदम ध्यान से लेकर आना। सर आप निश्चिंत रहिए, मैडम का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अम्मा आप जो सजा देना चाहती है दे दीजिए, पर अपने से दूर मत कीजिए प्लीज। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है, प्लीज अम्मा जी प्लीज। अगर भूल हुई होती तो हम तुम्हें शायद माफ भी कर देते, मगर तुम दोनों ने जो किया है वो भूल नहीं पाप था, धोखा था। हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। निकल जाओ इस हवेली से। काव्या तुम ही समझाओ ना माँ जी को कि हम लोगों को माफ कर दे प्लीज। बोलो ना। अम्मा जी, अम्मा, अम्मा आपसे दूर नहीं रह सकता। जब से आपके हाथ के जलने की खबर सुनी है ना, यहां अम्मा यहां अजीब सा दर्द हो रहा था। पूछो मेनका से, है ना? ये खबर तुम्हें किसने दी? इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अम्मा जी, अम्मा आप अगर अपना फैसला नहीं बदलेगी ना तो हम और मेनका आपके सामने आत्मदाह कर लेंगे। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।